जब टीम इंडिया जीत रही थी और आप दूसरे एक एंड पे हैं, तो वो कैसा चल रहा था? क्योंकि जिताना वेस्ट इंडीज को है, तो वो माइंडसेट कैसा रहता है? तो क्या कुछ सीक्रेट्स भी बताए ट्रेंट बोल्ट का? उन्होंने साफ कह दिया कि ऑब्वियसली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उनसे उनका नाम जाता है और वो खेलेंगे, डोमेस्टिक लीग्स खेलेंगे, बट न्यूजीलैंड से दूरी बना ली। वर्ल्ड कप करीब है, तो सेमीफाइनलिस्ट अगर आप बताना चाहें आपके लिए वो टॉप चार कौन सी टीम्स होंगी जो कि सेमीफाइनल में जा सकती है, आपका प्रेडिक्शन? वो चार ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली फेवरेट बिकॉज़ दे आर प्रैंकस्टर क्वांटिटी। सबसे ज्यादा शरारते कौन करते हैं? वेस्ट इंडीज एनर्जी बोल सकता हूं, शरारते भी करता ही है। बैटल टू वॉच आउट इंडिया पाकिस्तान के मैच में से आपके लिए क्या रहने वाली है? एक तरफ एक बल्लेबाज हो, दूसरी तरफ ये गेंदबाज, आप किसको सबसे ज्यादा देखने में इंटरेस्टेड? एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज अगेन राइट, सो साइन अप फॉर फॉर मी। भारत और वेस्टइंडीज का दौरा तो खत्म हो चुका है, इन कई यादें अभी भी ताजा हैं, गर्बरी फ्लेवर जो है ना जहन से जाएंगे, तो हमने सोचा क्यों ना वेस्टइंडीज के बैटिंग कोच मोंटी देसाई से गुफ्तगू की जाए, उनसे जानेंगे कैसा रहा भारत और वेस्टइंडीज के बीच घमासान, साथ ही साथ वर्ल्ड कप और उसके साथ साथ भारत बनाम पाकिस्तान ये मैच होने वाला है कांटेदार, तो उन पे भी इनकी राय जानेंगे। तो बिना किसी देरी के मोंटी देसाई ला लेते हैं। हमारे यूज़ को एक चीज जाननी है कि वैसे तो क्रिकेटर्स हमने काफी देखे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी और ही प्रोफेशन से आए, बट आप एक ऐसा बैकग्राउंड लेके आते हैं जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जॉब से रिलेटेड रहता है, जहनी तौर पे रहता है कि यार एक 9 to 5 की जॉब रहेगी, सारी चीजें रहती है, एक फेस था आपका, बट क्रिकेट कैसे हो गया? देखिए बहुत लंबी जर्नी है, इतना बोल सकता हूँ कि हर कड़ी में कोई ना कोई अच्छे शख्स मिले हैं जिन्होंने गाइडेंस दिया है, और प्रॉब्ली उन लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि आई लव कोचिंग राइट। सो उसमें क्या हो जाता है, व्हेन यू गेट द राइट गाइडेंस, उस वजह से आप वो चीज़ को थोड़ा और परस्यू करते हैं जी। और जब वो परस्यू करते बीच बीच में जब आपको लकीली या एक्सीडेंटली थोड़े ब्रेक थ्रूज मिलते हैं, तो यू डाइव इन टू दैट ड्रीम मोर। अब वहाँ जाके आप जब रोल ठीक से निभाते हैं और आपको फीडबैक अच्छे मिलते हैं, तो आप थोड़ा और सिंसियरली उस चीज के पीछे पड़ते हैं। सो आई थिंक कोचिंग में कोई भी लेवल पे, ग्रास रूट लेवल से लेके जितने भी अलग अलग ड्रेसिंग रूम्स मैंने एक्सपीरियंस किए, मैंने एंजॉय किया और अलग अलग रोल एंजॉय किया, तो इन माई हार्ट वॉज वेरी क्लियर कि ये मुझे करना है। फिर ऑटोमेटिकली वाइल यू आर, आप जैसा आपने बताया कि थोड़े अलग अलग रोल्स भी निभाते हो आप सर्वाइव करने के लिए, वैसे रोल मैंने भी निभाए थे, छोटा मोटा इंजीनियरिंग का भी था, छोटा मोटा मेरे फादर का बिजनेस का भी था, बट फाइनली जहाँ पे मन लगा हुआ था उस तरफ ज्यादा बोर्ड ले लिया जी। मैं एक्चुअली आपके बारे में पढ़ रहा था और आई थिंक 2008 ये एक ऐसा वक्त था जो हम कह सकते हैं कि लाइफ चेंजिंग मोमेंट सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं आप, क्योंकि आई थिंक जो जुबीन दासन रॉयल्स के आप कह सकते हैं बड़े टाइम से बड़े आपके पुराने दोस्त भी हैं, एंड एक मैं स्टोरी पढ़ रहा था आपके बारे में जिसमें आपके खास दोस्त सतीश सावंत आई थिंक अगर कोचिंग की बात करते हैं आपके साथ थे, और फिर आप ऑब्वियसली राजस्थान रॉयल्स के लिए सिलेक्ट होते हैं, एक्चुअली वो आपको पहले बुलाते हैं, आई थिंक राजस्थान रॉयल्स से पहले आप लोगों की आई थिंक कोचिंग को लेकर बातचीत होती है, फिर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका जाते हैं, बट उसके बारे में थोड़ा बताइए, जब दोनों में से कोई एक ही आई थिंक वहाँ पे रहना था स्कॉटिंग के लिहाज से, पर आपने वो बेडरूम वाली स्टोरी जरूर हमारे दर्शकों को बताइए कि स्काउटिंग किस प्रकार होती है और वो जर्नी किस प्रकार थी, वो टाइम थोड़ा अगर फ्लैशबैक में जाए। एक्चुअली क्या है कि 2008 डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर था, क्योंकि मैं तो 2006 में मूव हो चुका था यूनाइटेड स्टेट्स, अटलांटा में चला गया था मेरे फादर के साथ, वहाँ पे वही सेम चीज बिजनेस है वो सब एंगल से, बट मन ऑब्वियसली क्रिकेट कोच में अटका हुआ। सो जब जुबिन ने मुझे बताया कि यू नो वो थे पहले साल में राजस्थान रॉयल्स के साथ, उन्होंने बताया था कि ये अपॉर्चुनिटी है आप आओ इंडिया में स्काउटिंग और कोचिंग अपॉर्चुनिटी है डेवलपमेंट के लिए, मे बी यू नो उस वजह से आपको अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो उनकी बात मैंने बहुत सीरियसली ली थी। आने के बाद ऑब्वियसली वहाँ पे हम डेवलपमेंट कोच की तरह दो जन साथ में थे, मैं और सतीश, और हम कैंप्स भी कंडक्ट कर रहे थे, और उसका प्रोग्रेशन ये था कि वहाँ से हमको अगले साल 2009 में दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक हमें 2-3 कैंप किए थे, मुझे काफ़ी रीजन नहीं राइट नाउ, और हम साउथ अफ्रीका के साउथ अफ्रीका में आईपीएल चला गया था, उसके लिए हमको जाना था, हम दोनों को एनसी में भी बुलाया गया था जी। तो फ्रेंकली अगर बताया जाए तो वो समर वैकेशन के टाइम, बट हम क्योंकि डे वॉटमोर उस वक्त पे थे वहाँ पे, एनसी के
और हम लोग को अलग अलग सेंटर्स भी दिए गए थे, बट हम ऑब्वियसली बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह लिया था, तो हमने डेव वॉटमोर को भी ईमेल्स भेजे थे और चले गए साउथ अफ्रीका, यही सोच के कि भाई वहां से वापस आना है फिर एनसीए सेंटर्स मैनेज कर। बट दोनों जब वहां पे काम कर रहे थे, ऑब्वियसली जब बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश प्लेयर्स आपके साथ हो और एस्टेब्लिश कोचेज आपके साथ हो, आपको सीखना है, हर दिन सीखना है। उस वक्त तो सीधे सीधी सी बात थी कि हम फैसिलिटेट कर रहे थे और स्टूडेंट थे, ज्यादा कोचिंग एक्सपीरियंस बड़ा नहीं था हमारे पास। तो बिटवीन द टूर्नामेंट दैट आई रिमेम्बर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली विच पीरियड, बट मे बी 5-6 मैचेस के बाद या 3-4 मैचेस के बाद हमको मैनेजमेंट की तरफ से था कि हम दोनों को अकोमोडेट नहीं कर सकते, आप लोग को डिसीजन लेना। और मैं सतीश के साथ वेरी क्लियर था कि ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो वी विल शेयर द रूम एंड ऑल द स्टफ और आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज द सिचुएशन दैट वी कैन। So obviously we went together and we gave that proposal and it went well. I mean, Satish ka mera friendship us waqt ka kafi bonding strong ho gaya tha. Uske baad jab bhi hum Mumbai mein milte the, to hum kafi tari grassroots coaching ke bare mein baat karte the. Went well yaar, acha experience tha. Ji, ab bahut saalon se sir hum ye sun rahe hain scout, ye shabd kafi log dheere dheere India mein samajh rahe hain, pehchan rahe hain, parakh rahe hain, but abhi bhi kafi log hain jinko samajh nahi aata scout hai kya, kyunki मुझे राजस्थान का टाइम याद आता है जहाँ पे कामरान खान एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, आई थिंक संजू सैमसन उस टाइम पे, प्रवीण तांबे राजस्थान से खेले और उस वक्त आप राजस्थान के स्काउट थे। तो स्काउट है क्या, मतलब एक आम जनता, एक आम आदमी जो कि क्रिकेट नहीं समझता ज्यादा, उसको भी हम स्काउट के बारे में समझाएं तो कैसे क्या है एग्जैक्टली स्काउटिंग का काम क्या? टीम ऑफ पीपल थे टुगेदर, लेकिन लाइक उस पीरियड में अगर एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू बोले तो स्काउट्स को मेनली अलग अलग टूर्नामेंट्स जाके देखना, प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उनका एक लिस्ट बनाना और जब हम ट्रायल कैंप करें उनको वहाँ पे इन्वाइट करना और फिर उसमें जो हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे उसको थोड़ा और फॉलो करना। तो स्काउट ऑब्वियसली डजंट जस्ट कम इन टू प्ले वहाँ पे एक बार के लिए, बाद आप उसके बाद उसकी जर्नी आप फॉलो कर दे थोड़ा और, और वहाँ उस वक्त मेरे कैसे अननोन प्लेयर्स, नॉट मेरे कैसे, द फैक्ट वाज दैट अननोन प्लेयर्स वर नेवर इन ऑक्शन, तो आप उनको बाहर ही आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद अगर आपको लगता है कि उस प्लेयर का बनता है आपकी टीम में कोई रोल, मैनेजमेंट के साथ आप लोग डिस्कस करते हैं और फिर लीडरशिप ग्रुप ऑब्वियसली उसको सपोर्ट करते हैं, यू नो, सो इट्स नॉट वन पर्सन ऑब्वियसली, इट्स अ टीम ऑफ पीपल टुगेदर। और जब वो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कामरान खान वाज वंडरफुल स्टोरी, ऑब्वियसली आई फील सैड अबाउट द फैक्ट दैट वो आगे उसके बाद उसका प्रोफेशन हुआ, बट उस कपल ऑफ इयर्स में वो जहाँ से आया था और जो क्रिकेट खेल के गया था और जिस तरह का सपोर्ट उसको उस वक्त हमारे कैप्टन शेरवान को दे रहे थे, उनका भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट था उसके, वंडरफुल स्टोरी है। बाद में ऑब्वियसली काफी अलग अलग स्टोरी, संजू आई वुड से के स्टिल अंडर एज ग्रुप में वो वाज नोन प्लेयर, तो उसने लंका क्रिकेट ऑब्वियसली एज ग्रुप क्रिकेट खेला हुआ, बट देन अगेन जिस वक्त हमने उसको ट्रायल को बुलाया था तब वो आइडेंटिफाइड नहीं था, कैप्टन था और ट्रायल मैच में उसने बहुत अच्छा किया था, ऑब्वियसली आज तो इंडिया के लिए खेल रहे थे, बहुत बढ़िया स्टोरी है। हर तरह की स्टोरी देखी है, कोई कोई प्लेयर्स जो लोग बने हैं अननोन से नोन और उनकी जर्नी आगे बढ़ी है, अच्छा लगता है उनको देखते हुए, कोई प्लेयर्स की स्टोरी थोड़ी छोटी रही है बट एट द सेम टाइम यू नो स्वीट मेमोरीज रह जाती है। जी, तो तकरीबन आई थिंक संजू सैमसन हो गए, प्रवीण तांबे पे तो चलिए यू नो अभी मूवी भी बन चुकी है, और कामरान खान आई थिंक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी भी टच में हैं आप उनसे? वेल लेटली लास्ट 2-3 साल में आई डोंट थिंक सो, वंस आई टुक अप द रोल ऑन दिस साइड वी हैव लॉस्ट कनेक्शन, पहले वो राजस्थान के साथ भी वक्त बिताया, फिर आई थिंक गुजरात लायंस के साथ भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ भी स्कॉटिंग का ही मेजर मेजर हम कह सकते हैं कि रोल था, फिर ऑब्वियसली अफगानिस्तान की टीम से इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आई थिंक फिल सिमंस भी वहाँ मौजूद थे और वेस्ट इंडीज कैसे आई थिंक हैपन हुआ आपके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक वेस्ट इंडीज जितना मुझे मेरी यादें हैं बचपन से लेके अब तक बड़ी खौफनाक टीम थी, मतलब अभी भी आप देखें तो टी20 क्रिकेट में
थर थर कांपती है टीमें। आप वैसे तो T20 में बड़ा ही कम्पिटेटिव हो चुका है, बट वेस्ट इंडीज कैसे, मतलब अप्रोच कैसे हुआ और उसके बारे में बताए, 2019 से लगातार आई थिंक अभी है। मेनली तो ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटी मुझे फिलिस्टीनर्स की तरफ से आई जी, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ पहली बार, बट मैंने ये चीज पहले बताई हुई, बट फिर भी मेनली द फैक्ट इज दैट अफगानिस्तान का रोल जिस वक्त आया था उस वक्त मैं एक फ्रेंचाइज के साथ IPL में ऑलरेडी कुछ वर्क कर रहा था, बैकग्राउंड में ऑप्शन का प्लानिंग और सब चीज, बट वो क्लिक नहीं हुआ, वो कनेक्ट नहीं हुआ। इट वॉज वेरी फॉर्चुनेट अगेन लाइक आई सेड कि वो रोल ठीक से क्लैरिटी मिल नहीं रही थी उस वक्त। फ्रॉम कॉमन कनेक्शन फिल सिमंस पहली बार मुझे कॉन्टेक्ट किया जी, मैं उनको जानता नहीं था, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया, यू नो, सो ऑब्वियसली एक अननोन पर्सन इन वन पर्सनैलिटी, ऑफकोर्स अ नोन पर्सन बट अननोन इन टर्म्स ऑफ, मेरा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं था, बट जब उनका मैसेज आता है और मैं उनको रिस्पॉन्ड करता हूँ और हम बात करते हैं, तो very clear from his side that he wanted to give me an opportunity to work with him in Afghanistan. वहाँ हमने जो भी कुछ काम किया आई थिंक उस एफर्ट की वजह से ही उन्होंने मुझे वेस्ट इंडीज का रोल दिया। ऑब्वियसली ये जर्नी भी बढ़िया रही उनके साथ। बिल्कुल सर, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी कुछ दो महीने का वक्त रह गया है और काफी एक्सपेक्टेशंस हैं, वेस्ट इंडीज से दो बार के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, फिर अगले साल भारत में ही आना है, भारत में ही वर्ल्ड कप भी होगा, वनडे वर्ल्ड कप होगा। बट थोड़ा वेस्ट इंडीज के बारे में बात की जाए तो, और आई थिंक जो कल खबर आई थी ट्रेंट बोल्ट की, मैं थोड़ा सा अब क्रिकेट के साथ साथ वो भी चीजें पूछने वाला हूँ जहाँ पे आपकी पर्सनल सोच क्या कहती है, क्योंकि देख रहे हैं कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट बढ़ता जा रहा है, खिलाड़ी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि वो यू नो T20 क्रिकेट ज्यादा खेलें, लीग ज्यादा खेलें, और शायद इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक बड़ा एग्जाम्पल अभी ट्रेंट बोल्ट का, उन्होंने साफ कह दिया कि ऑब्वियसली जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उनसे उनका नाम जाता है और वो खेलेंगे डोमेस्टिक लीग्स खेलेंगे, बट न्यूजीलैंड से दूरी बना ली है। क्या कहना है आपके इस बात पे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सेटबैक सभी के लिए। Well, मैं अभी तक किस पे ठीक से सोच के व्हाट यू कॉल कंक्लूजन नहीं कर पाया, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ क्रिकेट जहाँ पे लीग्स आ रही है, प्रोमिनेंट लीग्स आ रही है, नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उसकी वजह से और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, और ज्यादा एसोसिएट मेंबर्स के भी क्रिकेटर्स जो है उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो पॉजिटिव साइड वो भी है कि बहुत सारी छोटी कंट्रीज के लड़कों को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। एंड देन हमने देखा है इवन इन IPL अननोन काइंड ऑफ क्वांटिटी भी सिलेक्ट हो रही है इंटरनेशनली, सो प्लेटफॉर्म्स है, अलग अलग फ्रेंचाइज, अलग अलग लीग्स मीन्स प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आके आप आपका अबिलिटीज दिखा पा रहे हो। And then obviously when it comes to country and all that it's a challenge, right? But वहाँ पे मेरी सोच की अगर आप बात करेंगे तो मैं जिस तरह से बड़ा हुआ हूँ मेरी लाइफ में, मैंने तो कंट्री क्रिकेट ही बहुत देखी, यू नो, सो जब हम बचपन में देखते थे वर्ल्ड कप्स एंड ऑल दैट स्टफ तो वही चीज हमको इंस्पायर करती थी। आज भी मुझे वही चीज का ज्यादा गर्व फील होता है, यू नो, कि मैं किसी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ और किसी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। अभी तक तो मेरी सोच हो ही रही है कि कंट्रीज प्रायोरिटी है, चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोगों की पर्सनल लाइफ भी है, लोग अपनी फैमिली के बारे में भी सोचते हैं और इजी नहीं है, इंटरनेशनल कैलेंडर काफी क्रैम्प्ड है, बहुत सारे मैचेस खेलते हैं आप, तो एक उम्र आती है जब, अभी आपने बोल्ड का एग्जाम्पल दिया तो मेरे मन में तो वही था कि एक उम्र आती है जब आप सोचते हो कि मैंने काफी सर्विस दे दी है कंट्री को और अब मुझे बैलेंस करना मेरी लाइफ और मुझे अपॉर्चुनिटीज को भी देखना है ताकि मैं मेरी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। नथिंग रॉन्ग इन इंडिया, जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग मोड आ चुका है, ये इंटरेस्टिंग मोड कहां जाता है अगले सालों में वेरी क्लियरली दिख रहा है कि फ्रेंचाइज लीग्स गोइंग टू सर्वाइव इट्स वेल, प्लेयर्स किस तरह से इस उनको गाइड किस तरह से किया जाता है, प्लेयर्स किस तरह से अपने चॉइसेस वो अभी टाइम ही बताएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि वनडे क्रिकेट के बारे में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं, टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री तो कह रहे हैं कि वनडे क्रिकेट को ख़त्म कर देना चाहिए, बायलैटरल सीरीज को समाप्त कर देना चाहिए, T20 क्रिकेट का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं वो प्योरिटी की जब बात होती है तो टेस्ट क्रिकेट होता है, फिर आप वनडे क्रिकेट को रखते हैं, फिर T20 क्रिकेट जो कि ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध और काफ़ी कुछ लेके आता है, काफ़ी बिजनेस के लिहाज से भी देखें तो काफ़ी फैल रहा है, वो सारी चीज़ें हैं। जब टीम इंडिया जीत रही थी और आप दूसरे एक एंड पे हैं,
तो वो कैसा चल रहा था, क्योंकि जिताना वेस्ट इंडीज को है, तो वो माइंडसेट कैसा रहता है, क्या कुछ सीक्रेट्स भी पता है कि इस खिलाड़ी का ऐसा कुछ रहने वाला है वेस्ट इंडियन गेंदबाजों को, वो चीज कैसे रहता है वहां पे, कंपोजर कैसे हैंडल करते हैं? बहुत सारे लड़के लोग एक्चुअली उनके साथ आईपीएल में खेलते हैं, तो सीक्रेट्स मेरे तरफ से यार ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऐसा कुछ सीक्रेट्स रहता नहीं भी। एनालाइज एनालाइज ऑफ कोर्स करते हैं सब कि भाई यू नो इनका स्ट्रेंथ क्या है, ये कौन सी एरियाज में इनको रोक सकते हैं, अगर बॉलर है बैट्समैन की तरफ सोचे तो फिर कौन सी एरियाज में ये बॉलर्स के साथ हम लोग हमारे स्ट्रोकिंग स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, बाउंड्री ऑप्शंस कहां पे है, यू नो। और एट द सेम टाइम हम लोग कोई अगर बॉलर ज्यादा बेटर लगता है तो उसके थ्रेट्स को हम कैसे नेगेट करें एंड मेक श्योर करें कि भाई नेक्स्ट ओवर पे हमारी पारी चल रही है। जी छोटी छोटी आई मीन वन बॉल बैटल्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियरली अगर आपको बात करूं तो, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि 120 बॉल में 120 स्टोरीज बनती है एक साइड पे बैटिंग करते वक्त या बॉलिंग करते वक्त सेम। तो आप अगर क्लियर हो उस वक्त एंड यू इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, लाइक योर क्वेश्चन वाज ऑब्वियसली अबाउट find staring secrets, but it's not about that part. You know, just have to be present with that skill. अगर भुवनेश्वर डाल रहे तो उनकी स्किल्स आपको पता है, अगर आप अक्षर पटेल डाल रहे तो आपको उनकी स्किल्स पता है, and how you negate that, simple as that. तो conversations थी उसके उसी पार्ट पे रहते हैं। अच्छा, फैमिली किसको सपोर्ट करती है? इंडिया को क्योंकि टीम को, क्योंकि obviously you have a role in this team. क्योंकि मेरे तरफ रहते हैं, but of course at the same time अगर आप ये थोड़ा uncomfortable situation. But if I have to share this, जब national anthem होता है, right? Series शुरू होने से पहले national anthem होता है, तो मैं मेरे management को भी बोलता हूँ कि ये बहुत difficult situation है। और लड़के सब सामने ही खड़े थे, पहली match के time पे तो सब Indian players भी सामने ही खड़े थे, जब Trinidad में थे। But मैंने वो हमारी respect national anthem की तरफ towards a lot more other services है, right? हमारे हिंदुस्तान में जो भी हम लोग ने कुछ किया है, mainly army. मेरा किरदार निभाना है, अगर मुझे मेरा किरदार अच्छे से निभाना है, क्योंकि मैं भी इस गेम को उतना ही लव करता हूँ जितना सब लोग लाइक यू और एनीवन एल्स लव्स, सो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई प्ले माय रोल प्रॉपर्ली। सर आज राखी का भी पर्व है और मैं आपका सोशल मीडिया चेक किया था, आई थिंक आपकी सिस्टर ने एक पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें आप थे, आई थिंक शायद होप भी थे, कुछ दिन पहले वो शेयर भी आपने आई थिंक इंस्टाग्राम पे किया था, तो आई थिंक मैंने फिर उनका भी प्रोफाइल देखा, बहुत जबरदस्त आई थिंक वो पेंटर एंड स्केचेस बड़ा अच्छा बनाते हैं। सो क्रिकेट के अलावा क्या चीज आपको पसंद है, आई मीन ऐसी कोई चीज जिसको आपको करके बड़ा मजा आता हो क्रिकेट के अलावा? मुश्किल है राइट नाउ, एडिक्ट हो गया हूँ मैं भी क्रिकेट के साथ फ्रैंकली, बट कोशिश करते रहता हूँ काफी अलग अलग चीजों की तरफ बैकवर्ड करने की। वन ऑफ देम ऑब्वियसली इज दिस क्रिएटिविटी, बट द क्रिएटिविटी इज मोर अबाउट लुकिंग एट व्हाट माय सिस्टर इज डूइंग और व्हाट माय डॉटर इज डूइंग, दे बोथ आर वेरी क्रिएटिव। ओके, हम लोग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मेरी मदर वाज ड्राइंग टीचर, शी वो भी नहीं है, शी इज नॉट एनीमोर, बट उन्होंने जो ड्राइंग टीचर की तरह सर्विस दी स्कूल में काफी साल तक 28 इयर्स जी, तो उनका भी लर्निंग्स हमारे साथ रहा है। माय सिस्टर इज वेरी क्लोज टू दैट काइंड ऑफ जी, देयर आर देयर आई बट काफी क्रिएटिव वर्क करते हैं, उन्होंने सरप्राइज दिया था वो व्हिच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है। बट मैं नॉर्मली क्वाइट रहता हूं, आई डोंट लाइक टू गो इनटू टू मच ऑफ टॉकिंग एंड स्टफ इन सोशल मीडिया, बट ये एक अच्छा सरप्राइज था उनका, तो ऑब्वियसली आई हैड टू रिस्पोंड टू दैट। क्या ये कहीं ना कहीं चीज जो वक्त बिताया राहुल द्रविड़ के साथ भी वहां से भी आई है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिसेंटली आप मिले भी थे, तो मेजर मेजर इंटरेक्शंस आप कुछ बता पाए, कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कि भारतीय लोग या फिर पूरी दुनिया में जो भी हमें देख रहे हैं राहुल द्रविड़ के बारे में कुछ चीजें बताना अगर आप चाहें, क्योंकि आपने वक्त स्पेंड किया, क्या खास मतलब है? जब मैं क्लब कोच था राइट, वी आई वाज कोचिंग एट फायर स्पोर्ट्स एट दैट पॉइंट, एंड हमारे वहाँ के जो चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी शेट्टी, उन्होंने राहुल द्रविड़ को इनवाइट किया था एज अ गेस्ट लॉन्ग बैक, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर नाउ, मे बी 2002-2003 समवेयर अराउंड दैट पॉइंट, जब शायद द्रविड़ कैप्टन भी थे टीम के, और उनको इन्वाइट किया था उन्होंने, और पहली बार उनको मैं मिला था एज अ क्लब कोच जी लॉन्ग, और उनका तब भी जो इंटरेक्शन था
जिस तरह से वो बिहेव करते थे और सब यार यू नो इट आल्सो अट्रैक्ट्स यू. आई मस्ट से दैट ही हैज बीन वन ऑफ द रोल मॉडल्स फॉर श्योर, समवन हु मैनेजेस हिमसेल्फ सो वेल अवे फ्रॉम ऑल द ग्लैमर. एंड तब से यू नो हर बार जब भी मौका मिला है आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग इट. Obviously, we were fortunate to work in Rajasthan for a few years. Yeah. कोई-कोई गलतियाँ भी मैंने भी की हैं जो उन्होंने मेरी सुधारी. I think कोई-कोई चीजें जहाँ पे मुझे लगता था कि वो थोड़ा और अच्छा कर सकते, मैंने भी बोला हुआ है. तो उस तरह का फ्रीडम था हमारे प्रोफेशनल रिलेशनशिप जहाँ पे हम इंटरेक्ट अच्छे से कर सकते थे, काफी अप्रोचेबल थे. और थ्रू आउट मैंने उनकी जर्नी फॉलो की है उसके लिए. क्योंकि मैं कोचिंग फील्ड में ही परस्यू कर रहा था खुद के लिए, तो जब भी उनको दिखता था एज ग्रुप के साथ उन्होंने जो काम किया है या बाद में एनसीए के भी हेड रहे काफी वर्ष तक, नाउ ऑब्वियसली द हेड कोच ऑफ द टीम, तो जब जब मौका मिला मैंने इंटरेक्ट किया उनके साथ जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ वी अप्रोचेस कपल ऑफ थिंग्स. क्लैरिटी मिलती है उससे भी कि आप भी जो डिसीजन दे रहे रीअश्योरेंस मिलता है कि आपकी जो वर्क जिस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल कोचेस आर डूइंग दैट, सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जी बट ऑफ द रिकॉर्ड्स फैमिली की बातें भी करते हैं, आई आल्सो वांट टू सी हाउ वी मैनेज आवर फैमिली एंड ऑल स्टफ. जी अच्छा रहा है, आई मीन फॉर्चूनेट रहा हूं मैं लाइक आई सेड के टू हैव नोन हिम लिटिल बिट, जितना भी जान पाया हूं फॉर्चूनेट. सर रैपिड फायर क्वेश्चन एक कर ले. पहला सवाल मेरा रैपिड फायर क्वेश्चन का ये है कि प्रैंकस्टर कौन है टीम में, सबसे ज्यादा शरारतें कौन करते ड्रेसिंग रूम में काफी जो मुझे लग रहा है कि करते होंगे. और भी अगर मैं देखता हूँ तो सबसे ज्यादा आई मीन फिटनेस के लिहाज फिटनेस फ्रीक कौन है ये तो बता सकते. Yes, yes, उसमें तो काफी लड़के हैं, बट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट हिडन वॉल्स गिव्स. ही इज एक्सट्रीमली फिट और लाइव वायर है. हम लोग जॉन्टी रोड्स के बारे में बात करते थे फील्डिंग के लिए, बट हिडन वॉल्स को आप देखोगे ग्राउंड पे जिस तरह से वो ग्राउंड कवर करते हैं एक्सट्रीमली. मेरा अगला सवाल माउंटी सर आपसे ये है कि वेस्ट इंडीज की अप्रोच की अगर हम बात करते हैं बीते कुछ सालों में, तो बल्लेबाजी एक ऐसी चीज है जिसमें कहा जाता है काफी वर्क करना है, सारी चीजें हैं. आप बैटिंग कोच हैं, आप क्या सलाह देते हैं यंगस्टर्स को और जो तजुर्बेदार खिलाड़ी भी बन चुके हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्योंकि एक फ्रेश माइंड आ रहा है और एक वो भी खिलाड़ी जो 5-6 साल से लगातार खेल रहा है, तो वहां पे कितना बड़ा रोल एज एन बैटिंग कोच आ जाता है? गुड क्वेश्चन. मेन इसमें क्या है कि आप हर एक प्लेयर को सेपरेटली आइडेंटिफाई करने को देखते हैं पहले और उनके रोल्स क्या है टीम में वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस रोल के पॉइंट ऑफ व्यू उनका स्किल बेस कितना पॉलिश्ड है और कौन से एरियाज है जहाँ पे आपको उनको इम्प्रूव करना है वगैरह, वहाँ पे हम लोग अपना फोकस रखते हैं. यू नो सो व्हेन यू से बैटिंग कोच नॉट टू फॉरगेट द फैक्ट दैट हम लोग एक डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं, बट इट्स मोर लाइक आई एम अ स्किल कोच, सिंपल एज दैट. सो व्हेन इट कम्स टू फिजिकल स्किल्स ऑफ क्रिकेट एंड देन व्हेन इट कम्स टू ऑल्सो द मेंटल साइड ऑफ इट, क्योंकि डिसीजंस भी लेने हैं आपको अंडर प्रेशर, वो सब कॉन्वर्सेशन साथ में साथ में होते हैं. तो वाइट बॉल फॉर्मेट में थोड़ा चैलेंज रहा है बिकॉज वी हैव टू एडजस्ट बिटवीन टू 50 ओवर्स एंड T20. T20 में मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे लड़के जाने गए हैं सिक्सेस के लिए, यू नो तो बाउंड्रीज और सिक्सेस के साथ उनके साथ कॉन्वर्सेशन ये चलती है कि भाई आपकी स्ट्रेंथ को बिना बाजू में रखे हुए कैसे हम इसको और एक दो छोटी छोटी एरियाज में और इम्प्रूव करके आपको कॉम्प्लीमेंट करें आपकी गेम को. तो when they are hitting boundaries and sixes, उसके साथ साथ अगर वो लोग easily singles and doubles convert कर सके, तो उनका game और improve हो जाएगा. उसमें specific area जो सबको very clearly पता है वो is batting against spin. तो बड़े shot लगाते वक्त वहाँ पे भी वो लोग कभी कभी miss कर जाते वो area target करते वक्त, और बहुत बार उनका सही लगता भी है. तो we are just trying to mature them about decision making and situational awareness. वही काम चल रहा है राइट नाउ, यू नो सो आई थिंक दैट थोड़ा बहुत हमको 50 ओवर में भी प्रोग्रेस मिला लास्ट अभी जो हम लोग इंडिया सीरीज इंडिया के साथ हमारी जो 3 ODIs भी हुई, स्पेशली ऑन द बैक ऑफ
बांग्लादेश के साथ जो हमारी 3 ओडीआईज हुई थी वो काफी चैलेंजिंग थी रोहिंगा, है ना। एक तो सरफेस भी चैलेंजिंग था और स्पिनर्स उनके काफी एक्सपीरियंस थे तो हमारे प्लेयर्स को रिस्पॉन्ड करना मुश्किल हुआ उसको। सो वहाँ से उस एक्सपीरियंस को लेते हुए जब हम पिच पार्क में खेले, मेरे हिसाब से हम लोग ने काफी प्रोग्रेस किया। दोनों मैचों में हम लोग 300 रन जोड़े, टीम्स ने कंपेरिया इंडिविजुअली और पार्टनरशिप में अच्छी हुई, थोड़ा प्रोग्रेस वहाँ पे भी हुआ है बट काम चालू है। आई कैन से दैट फॉर कि अभी तक वर्क इन प्रोग्रेस है। जी, आप आईपीएल में इतने साल ऑब्वियसली वक्त बिताया और अब चूंकि वेस्टइंडीज के बैटिंग कोच आप हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा, कितना इवॉल्व खुद को महसूस करते हैं, कितने समय से जर्नी रही है और अब बैटिंग कोच के तौर पे क्या कुछ चेंजेस आप खुद में महसूस करते हैं कि 2008 में जो मोंटी देसाई थे और आज 2022 में जब आप खुद को देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस खुद से आए हैं? आई थिंक एक तो चीज रहती है कि जब आप तो यंग कोच की तरह कहीं भी जुड़ते हो तो एक्साइटमेंट अलग रहता है, राइट? सो यू ट्राई टू एक्सप्रेस फॉर एवरीथिंग बट विद एक्सपीरियंस व्हाट यू रियलाइज इज के कहां कितना बोलना, कहां कितना कम बोलना, यू नो, कहां पे एक्चुअली आप इंस्ट्रक्ट करते हो कि भाई ये करना है तो ही प्रोग्रेस होगा, कहाँ पे जस्ट सब सुनते हो, यू नो, वो चीजों में शायद थोड़ा फर्क आया है। एंड ऑब्वियसली डेवलपमेंट वर्क चलते रहता है, इससे लर्नर्स जर्नी, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें आप मिस कर जाते हो और आप सीखते हो, तो लर्नर्स जर्नी इज कंटिन्यूइंग एट द मोमेंट। बट आई वुड से दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स बिकॉज आप इतने सारे ड्रेसिंग रूम में जाते हो, आप इतने सारे पर्सनैलिटीज को मिलते हो वहाँ से और कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स में आप जाते हो। मैं उस मामले में काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ, एज गुड एज मैं इसको बोलूँगा कि मेरी प्रैक्टिकल पोस्ट ग्रेजुएशन अराउंड कोच, यू नो, जहाँ पे आप एक टाइम था जब मैं TNPL में था 3 साल तक, तो वहाँ पे भी सब साउथ में उनकी लैंग्वेज में बातें ज़्यादा करते थे बस में, उनके साथ यू नो जुड़ जाना, फिर उनके कोई कोई शब्द पकड़ना, फिर वहाँ से आंध्रा में एज ए हेड कोच गया तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी अलग तरह का एक्सपीरियंस था आंध्रा टीम के साथ। साइड बाय साइड ये अफगानिस्तान का जैसा आपने बताया वो डिफरेंट कल्चर है, UAE कल्चर, कनाडा में ऑब्वियसली ऑल एक्सपर्ट्स कम टुगेदर, सो एक टीम नहीं है वो, एक टीम के अंदर 5 टीम, यू नो, क्योंकि 5 कंट्री के लड़के वहां पे खेलते हैं, तो वो एक अलग कल्चर रहा, यू नो। सो नाउ ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज का हम सब आई थिंक जो भी हम यंग हमारी उम्र में जब मैचेस देखते थे तो 3-4 टीमें मुझे याद रहती थी एज ए यंगस्टर, उसमें वेस्ट इंडीज का नाम जुड़ा था, यू नो। तो आज जब यहाँ पे काम कर रहे तो अच्छा भी लगता है, पर मोर इम्पोर्टेंट लाइक आई सेड कि उनका भी कल्चर सीखने को मिल रहा है। बिल्कुल, भारत ऑब्वियसली आई थिंक रिसेंटली सीरीज भी समाप्त हुई और उसके अंदर अगर हम बात करते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट इंडीज के लिए आने वाले टाइम में T20 वर्ल्ड कप से पहले एक्सपोजर के लिहाज से बड़ी टीम्स के खिलाफ खेलना, क्योंकि प्रेशर गेम्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे कंडीशंस ऑब्वियसली थोड़ी डिफरेंट रहेंगी, तेज पिचेस हैं, हालांकि भी तो कुछ टाइम में फ्लैट पिचेस देखने को मिली हैं ऑस्ट्रेलिया में भी, जहाँ पे ODIs में भी 350 के स्कोर बने, वो कितना चैलेंजिंग है, क्या क्या प्रिपरेशन के लिहाज से वेस्ट इंडीज अभी फिलहाल प्रिपेयर कर रहा है फॉर T20 वर्ल्ड कप? आई थिंक T20 वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो ये जो 5 T20s हमने इंडिया के साथ खेली वो बहुत बड़ा लर्निंग फेज रहा है। सो सेम थिंग अगेन कम्स डाउन टू बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बट मोर इम्पोर्टेंटली सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में जब बात करें, हमारी टीम में स्किल्स काफ़ी है, स्किल्स को कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना उस चीज के पॉइंट ऑफ व्यू ये गेम्स से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बिकॉज हारे जरूर है, मैचेस हारे जरूर है बट उसमें हमको एक जीत भी हासिल हुई थी, तो मैं तो उस चीज़ को भी पॉजिटिवली देखूंगा क्योंकि वो बैक मैच भी अंडर प्रेशर ही थे, हम लोग 140 और चेस कर रहे थे बट जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया और उसमें नए प्लेयर ने लास्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, नए प्लेयर इन टर्म्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस बिकॉज डेब्यू पहले कर चुके हैं वो, डेविन थॉमस की बात कर रहा हूँ मैं, बट उन्होंने फिनिश किया हमारे लिए वो गेम को। बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू निकलस पूरन बोलो आप, एडमायर बोलो, बहुत एबिलिटीज है उन दोनों प्लेयरों में, वो उनके पास हर तरह के स्किल्स है। हम चाहते हैं कि वो दोनों लड़के जितना ज़्यादा जिम्मेदारी ले टीम का और अवेयरनेस रेज करते रहे अपनी गेम के साथ साथ सिचुएशन का, उससे बहुत फर्क पड़ेगा टीम, तो वो हमारे की प्लेयर्स हैं
एट द सेम टाइम उनके साथ साथ काफी अलग अलग प्लेयर्स उभर के आ रहे इस फॉर्मेट में. काइल मेयर्स है, किंगे, बहुत जबरदस्त पॉजिटिव्स आ रहे हैं. काइल मेयर्स का नाम जी, काइल मेयर्स और ब्रेंडन किंग हमको अच्छी शुरुआत दे रहे काफी टाइम. तो एक इस हमारा टेम्पलेट सेट हो रहा है पावर प्ले के पॉइंट ऑफ जहाँ पे वो लोग हमको अच्छी स्टार्ट्स अच्छी शुरुआत दे रहे हैं. साथ साथ में हम शामा ब्रूक्स को भी प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव मोर प्लेयर्स अवेलेबल. कभी इंजरी का हो जाता है, कभी यू नो वी वांट टू रोटेट टू मेक श्योर दैट फ्रेश रहे. तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको चाहिए कि दो तीन और खिलाड़ी उस रोल में रहने चाहिए. तो शामा ब्रूक्स भी है उस किरदार में. एंड देन फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो रोमन पॉवेल के बारे में आप सब जानते ही, ये साल उन्होंने कितना अच्छा किया है. थोड़ी चपारियां वो भी चुक चुके हैं, उनको भी पता है चुक चुके हैं वो, बट एक दो एरिया है जहाँ पे उनको इम्प्रूव करना है और वो जानते हैं वो एरिया, उस पर काम कर रहे हो. एंड लाइक आई सेड कि ओवरऑल हर खिलाड़ी का एक स्ट्रेंथ एरिया वेरी क्लियरली दिख के आ रहा है वैकेंडली. और मेरा जहाँ तक मेरा किरदार आता है तो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट और कौन सा एक एरिया वैकेंडली में वो ओपन हो जाए उनके लिए. और उस वजह से ऑटोमेटिकली व्हेन वी प्रोग्रेस इनटू द वर्ल्ड कप होपफुली दैट कम्स आउट एज अ पॉजिटिव्स फॉर देम एंड हमारी टेम्पलेट और हमारी ब्लूप्रिंट और सक्सेसफुल हो जाए. जी, वर्ल्ड कप करीब है तो सेमीफाइनलिस्ट अगर आप बताना चाहें आपके लिए वो टॉप चार कौन सी टीम्स होंगी जो कि सेमीफाइनल में जा सकती हैं, आपका प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन का जमाना है सर, काफी ज्यादा प्रेडिक्शन करे जाते हैं. अगर आप बताना चाहेंगे वो चार. ऑस्ट्रेलिया इज ऑब्वियसली फेवरेट बिकॉज़ दे आर और अमेरिका से उनको रेस्ट भी अच्छा मिला हुआ है, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन टीम. इंडिया नो डाउट अबाउट इट, काइंड ऑफ आई थिंक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो राइट नाउ इट इज ऑल अबाउट जस्ट मैन मैनेजमेंट एंड क्रूशियल डिसीजंस जब राइट टाइम पे लेने की बारी आई. सो दे आर राइट अप देयर. लेटली साउथ अफ्रीका आल्सो हैज बीन डूइंग वेल, सो T20s दे आर आल्सो डूइंग वेल. एंड मैं चौथी टीम तो हमारी रखूंगा, बिल्कुल इसके पास एबिलिटीज है और I would say these four teams at the moment. मेरे माइंड में ये चार टीम आ रही है. And we want कि इंडिया वेस्ट इंडीज का फाइनल हो सर, तो मजा आ जाएगा. I think again we want कि आप वापस से आए हमारे साथ गुफ्तगू करें, हम लोग भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें. I hope कि ऐसा जरूर हो. But जब हम चार टीम के बारे में बात कर रहे हैं, बट भूलना नहीं चाहिए कि मैंने डार्क हॉर्स लाइक मी न्यूजीलैंड को और न्यूजीलैंड फाइनल और इंग्लैंड को. आई थिंक डिफिकल्ट है एक्चुअली देखा जाए, बहुत डिफिकल्ट है देखा जाए. जिस तरीके से कमबैक किया है ना, रिवाइव जिस तरीके से हो रहा है, वो भी लगता है कि वहां पे रोल्स बहुत क्लियर होते जा रहे हैं और लड़के काफी सेटल हो रहे हैं. तो मुझे साउथ अफ्रीका भी टीम अच्छी लग रही है. और इंडिया पाकिस्तान मैच एग्जैक्टली पाकिस्तान में दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर. शाहीन आफरीदी को देख लो आप, वो इज बीन डूइंग सो वेल. बाबर आजम इज देयर, देख लो बैटिंग में ऊपर रिजवान को देख लो. तो अभी हर एक टीम में कोई ना कोई अच्छे की प्लेयर्स है. तो जहां मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं ये चार टीम, बट यू नो इट्स लाइक फॉर एक्सरसाइज एंड फॉर फन टू डू इट, बट नॉट इजी दैट दिस टीम ओनली कैन डू इट. एंड आई होप कि जो ऑब्वियसली पिछले साल हम पाकिस्तान से हारे थे वो भी बड़ा कांटेदार मैच होगा सर, क्योंकि मेलबर्न का मैदान होगा इंडिया बनाम पाकिस्तान. सो ऑब्वियसली बहुत जबरदस्त रहेगा के लिए तो एंटरटेनमेंट है वो. बैटल टू वॉच आउट इंडिया पाकिस्तान के मैच में से आपके लिए क्या रहने वाली है? एक तरफ एक बल्लेबाज हो, दूसरी तरफ ये गेंदबाज, आप किसको सबसे ज्यादा देखने में इंटरेस्टेड? एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज अगेन, राइट? सो शाहीन आफरीदी फॉर मी जस्ट द वे ही ब्रिंग्स हिज न्यू बॉल इन. जी, देयर इज वन बाबर बैटिंग वाइज द कमेंटेटर्स एज वेल फॉर श्योर. यू नो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली वी हैव बुमराह, Rohit and Bumrah. So those will come, but some of the young talent also will come out well. Yeah. Hoping that India jeet raha hai sir is baar, jeetenge Melbourne. Will time batayega. So I will not. But if you are talking to me right now, just as an Indian, I would say India jeetegi. जीत रहे हैं सर, फिर तो पक्का जीत रहे हैं. आई थिंक आपने ऑब्वियसली बताया तो आई फील क्या नहीं भरे तो मुश्किल है इस तरह से बीजेपी को एसएस में. ऑब्वियसली इफ यू से इंडियन फैन बेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर बोलेंगे ना कि एज इंडियन आउट से दैट जीत. ज्यादा सर कुछ संदेश हमारे फैंस को जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं स्पोर्ट्स टाइगर पे यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, उनको आप कुछ कहना चाहें और कोचिंग के लिहाज से क्या कुछ की पॉइंटर्स हैं वो अगर आप बताना चाहें
जो कि बडिंग यू नो क्रिकेटर्स हैं जो सीखना चाहते हैं कि यू नो आगे चलकर उनको कोचिंग में स्काउटिंग में रोल देखना हो, तो क्या आपके एडवाइस होगा? सब कॉमन सिंपल एडवाइजेस है. सबसे पहले तो आप ऑनेस्टी लाओ, आपकी आइडेंटिटी क्या है वो समझो. Once you understand your identity, you will find a purpose. उस पर्पस के पीछे आप लगे रहो और फिर आप ऑटोमेटिकली आपका एक क्यूरियस माइंड उसको जगाए रखो. Because curious mind allows you to ask questions. You look for answers for them. Automatically, वो बहाने फिर आप क्या अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे एडवाइस यहाँ वहाँ आप ढूंढोगे और आपके अंदर एक बेटर वर्जन आप क्रिएट करोगे. सिंपल एज दैट. सो यू हैव टू लुक फॉर दैट परसेंटेजेस वेर यू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ. क्रिकेटर बोलो, इंसान बोलो, कोई रोल में भी बोलो, यू नो कोचिंग लाइन बोलो, कोई भी चीज, कोई भी फील्ड पकड़ो. What you're thinking about is all the time how you can get better. Simple as that. So ask those questions and find the answers for that. See, बहुत मजा आया सर. आई थिंक मेरे लिए बहुत ही इंसाइटफुल सेशन रहा जो भी वक्त हमने अभी ऑब्वियसली यहाँ बिताया. और जाने से पहले बस ऑब्वियसली बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि और आप लोग सब भी आपकी खुद की जो चैनल चला रहे हैं मुझे अच्छा लगता है देख के आप लोग आपकी क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं. For your Instagram channel or for your YouTube channel or anything, best wishes to all of you and keep bringing good content. तो अभी world में सिर्फ एक ही चीज important है, अच्छी-अच्छी बातें करो, content लाओ, controversies कम करो, सब लोग healthy करो. बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे and जो-जो आपने obviously pointers बोले हैं, we'll definitely उसपे खरे उतरने की पूरी कोशिश रहेगी. बड़ा मजा आया सर and see you soon on Sports Academy. Thank you. Take care.